Dear students, today we are going to discuss few topics which are very important as far as exam is concerned, and it is very important topic of printing means. So the topics are truing, dressing, glazing and loading. So first we will start from loading, ki loading kya hota hai, aur uske baad fir hum ek ek karke dekhte jayenge har topic ke bare mein. Kyunki truing aur dressing ko samajhne ke liye pehle usme jo problems aati hain unko hum discuss karenge, uske baad hame samajh mein aayega कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो उसके लिए हम ट्रूइंग और ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट इज़ लोडिंग, तो जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं लोडिंग बता रहे हैं. लोडिंग क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा एब्रेसिव व्हील ये ग्राइंडिंग व्हील है, इधर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ. जैसे मान लीजिए ये हमारा एब्रेसिव ये ग्राइंडिंग व्हील है, और इस ग्राइंडिंग व्हील को हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली. ये इसका सेंटर है जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, और ये हमारा वर्क पीस है. मान लीजिए ये देखिए, ये जैसे वर्क पीस है, जब ये रोटेट करेगा ग्राइंडिंग व्हील, तो जब ये वर्क पीस के साथ कांटेक्ट में आएगा, रबिंग करेगा, कटिंग करेगा, तो इसमें कुछ चिप्स जो वर्क पीस से निकलेंगे, इस वर्क पीस से जब ये चिप्स निकलेंगे, मान लीजिए ये कुछ चिप्स आपके निकल गए, ये कुछ चिप्स निकलेंगे और वो कुछ जाके इस ग्राइंडिंग व्हील के अंदर स्टक कर जाएंगे. कैसे स्टक करेंगे, अंदर जैसे ग्राइंडिंग व्हील के अंदर एब्रेसिव्स होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड्स होता है, और उसके अंदर हमने देखा था कि खाली स्पेस भी होते हैं. इस तरह से ये एब्रेसिव रहेंगे, इनके बीच में जो वॉइड्स होंगे उन वॉइड्स में जाके ये चिप्स जो हैं वो जाके स्टक कर जाते हैं. तो जब ये स्टिप इसके अंदर स्टक करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसमें वेट बढ़ जाता है, लोडेड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी घट जाती है मटेरियल रिमूव करने की. तो ये एक प्रॉब्लम है. इसको इसका नाम लोडिंग क्यों आया, क्योंकि आपके चिप्स जो है विच इज़ गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस, इट इज़ गेटिंग स्टिक इनटू द ग्राइंडिंग व्हील एंड इट इज़ ऑक्यूपाइंग द वॉइड्स विच आर प्लेस बिटवीन द एब्रेसिव ग्रेन्स. जो वॉइड्स हैं आपके एब्रेसिव ग्रेन के बीच में, उनमें जाके ये चिप्स स्टक कर जाते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, आपका ग्राइंडिंग व्हील लोडेड हो जाता है, और कहीं ना कहीं दिस कॉजेज ए डिक्रीज इन मटेरियल रिमूवल रेट. तो जब ये रोटेट करेगा ग्राइंडिंग व्हील, तो ये आपका मटेरियल रिमूवल रेट कम करता है, उसकी चिप फिर एफिशिएंसी घट जाती है मटेरियल रिमूवल रेट की, मटेरियल रिमूवल कम होने लगता है. तो ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लोडिंग. जब आपका चिप ग्राइंडिंग व्हील के अंदर वॉइड्स के अंदर जाके स्टक कर जाए, तो इसे हम लोडिंग कहते हैं. तो ये था लोडिंग. आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में ये जो, अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर दूसरा यूज़ करता हूँ, जैसे आप ये देखें ये वाला पोर्शन, ये जो वाइट वाइट कलर का पोर्शन है ग्राइंडिंग व्हील के अंदर, ये सारे जो हैं वो जाके चिप्स इसके अंदर स्टक कर गए हैं. ये आपका एक इमेजेस दिखाया है, माइक्रोस्कोपिक व्यू है, जिसमें आपका ग्राइंडिंग व्हील के अंदर ये ब्लैक कलर से जो एक ग्राइंडिंग व्हील है, और इसके अंदर ये वाइट कलर का आपका चिप जो है स्टक कर गया. स्टक करने से क्या होगा, जो उसकी शार्पनेस है अब वो उतनी रहेगी नहीं, वो इतने अच्छे से शार्प एजेस उसके कट नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा स्मूथ आउट हो जाएगा, वो कटिंग नहीं करेगा इतना, इसलिए उससे उसकी MRR जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है. तो ये एक प्रॉब्लम है ग्राइंडिंग व्हील की, जिसे हमें सॉल्व करना चाहिए. सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है ग्लेजिंग. ग्लेजिंग क्या होता है, एक और प्रॉब्लम है ग्राइंडिंग व्हील में. जैसे ये आपको देखते हैं, यहाँ पे ये ग्राइंड करते हुए दिखा रहे हैं, ये आपका वर्क पीस है और ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है. जब ये रोटेट कर रहा है हाई स्पीड पे, मोटर, ये मोटर है आपकी, इस मोटर की हेल्प से ये जब ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगा, आपके वर्क पीस जब इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये इसे इसमें से मटेरियल रिमोल्ड करेगा. अगर मैं इसका यहाँ का ग्राइंडिंग व्हील के इसके पोर्शन का जो यहाँ एक्चुअल में यहाँ पे है, उसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, तो वो इस तरह का कुछ होगा ये पूरा का पूरा. तो अगर आप देख रहे होंगे ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग में आपका जब मटेरियल रिमूव करते हैं, तो ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाता है. क्या होता है कि पहले एब्रेसिव व्हील जो होंगे, इसके एजेस जो होंगे, इसमें जो एब्रेसिव्स हैं सरफेस पे, वो बहुत शार्प होंगे, कि शार्पनेस काफ़ी होगी, तो वो मटेरियल रिमूव रेट ज़्यादा करेगा. लेकिन जैसे जैसे हम इसे यूज़ करते जाएंगे, इसकी शार्पनेस जो होती है वो कम होती चली जाती है. तो उस शार्पनेस को, वो जो अपनी शार्पनेस को खो देता है, उसको हमें वापस लाना होता है. वो कैसे शार्पनेस होता है, जब हम करते जाते हैं तो वो फ्लैट होता जाता है सरफेस, और वो एब्रेसिव एकदम डल हो जाते हैं. तो जब डल हो जाते हैं, तो वो डल ग्रेन्स जो हैं वो कटिंग करना बंद कर देते हैं. तो अगर हमें उसके वापस उसकी शार्पनेस को लाना है, तो आप देख रहे होंगे उसकी शार्पनेस को लाने के लिए हमें उसे फिर से प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ता है. वो हम बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व करता है. लेकिन इस प्रॉब्लम का जो शार्प ग्रेन्स जो हैं वो डल ग्रेन्स जो बन जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लेजिंग. व्हेन यू आर रेगुलरली यूजिंग ग्राइंडिंग व्हील, देन आफ्टर सम टाइम्स द एब्रेसिव शार्प एब्रेसिव लूजेज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ शार्पनेस एंड गेट्स कन्वर्टेड और इनटू ए डल ग्रेन, एंड दैट डल ग्रेन इज अनेबल टू परफॉर्म द मटेरियल रिमूवल रेट फ्रॉम द वर्क पीस. सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मटेरियल रिमूवल रेट, वी हैव टू रिमूव
द डल ग्रीन, बट ये जो शार्पनेस से डल ग्रीन जो बनता है उसको हम ग्लेजिंग कहते हैं। तो ये भी एक ग्राइंडिंग व्हील की प्रॉब्लम है। तो ग्लेजिंग और लोडिंग दोनों प्रॉब्लम है ग्राइंडिंग व्हील की। लोडिंग हमने समझा था, जब उसमें चिप्स जाके स्टक कर जाते हैं ग्राइंडिंग व्हील के अंदर, तो उसको हम लोडिंग कहते हैं। नेचुरली उस ग्राइंडिंग व्हील का वेट बढ़ गया तो लोड हो गया, इसीलिए उसका नाम क्या है, लोडिंग। ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग का मतलब होता है ग्लास लाइक अपीयरेंस और स्ट्रक्चर। तो जब आप इसमें क्या करते हैं, जब आप शार्पनेस अपनी लूज करता है तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है सरफेस थोड़ी देर के बाद यूज करते करते। और जैसे ये देखिए आपको ये दिख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट, ये शार्प, इसकी ग्लास लाइक अपीयरेंस आने लगती है और ये मटेरियल रिमूव नहीं करता, बस रबिंग होती रहेगी लेकिन मटेरियल रिमूव नहीं करेगा इसको। और इमेजेस को देखो, शार्प दिखा रहे हैं एक माइक्रोस्कोपिक व्यू में, पहले इसकी फोटो ली गई है, इसमें ये व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये मटेरियल नहीं निकालेगा। फिर इसको और जूम करके देखा गया, ग्लास लाइक अपीयरेंस होगा, मतलब मटेरियल निकालना बंद कर देता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। जो आपके शार्प ग्रेन्स होते हैं वो डल ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग। तो ये दोनों प्रॉब्लम है। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। उसके लिए आप देखिए, पहला है ड्रेसिंग, इसको व्हील ड्रेसिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, व्हील ड्रेसिंग भी बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कई बार इसे व्हील ड्रेसिंग भी बोला जाता है, व्हील ड्रेसिंग। और ये होता क्या है, ड्रेस करना, मतलब जैसे आपको चोट लग जाती है तो उसको हम थोड़ा सफाई करके उसको पट्टी बांध देते हैं। यहाँ पे ड्रेसिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे जब हमने ये ग्लेजिंग और लोडिंग हुआ तो आपके जो ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस है वो मटेरियल रिमूवल करना खराब, बिल्कुल सरफेस फ्लैट हो गया और उसने मटेरियल रिमूवल जो है उसका डिक्रीज हो गया, मटेरियल अब कम निकाल पा रहा है। तो उसके लिए हमें चाहिए जो उसके शार्प एजेस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जूम करके मैं दिखाऊँ तो वो कैसा है, जैसे ये वर्क पीस था इसमें ग्रेन्स थे, अब वो ग्रेन्स जो हैं वो इस तरह से आ गए हैं, ये ग्रेन्स हैं। तो अब ये बिल्कुल स्मूथ आउट ऑपरेशन है, अगर ये इसकी जगह इस तरह से होते ग्रेन्स, इरेगुलर टाइप के शार्प एजेस निकले होते, देखिए ये ऐसे थोड़ा, आप इसकी पेरिफेरी पे अगर आप ध्यान से देखिए दोनों में फ़र्क। यहाँ पे क्या है, ये एजेस जो हैं ये बाहर जो निकले हुए हैं ये क्या है, ये कटिंग एक्शन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये शार्प एजेस की तरह काम करेंगे, कटिंग एक्शन प्रोवाइड करेंगे शार्प एजेस की तरह। लेकिन ये वाले आपके कटिंग एक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, ये बिल्कुल स्मूथ आउट स्मूथ सरफेस है। तो हमारा ग्लेजिंग में भी यही हो जाता है, अपनी शार्पनेस खो देता है, और हमने देखा उसमें लोडिंग में भी इसके अंदर अब्रेसिव स्ट्रक कर जाते हैं और ये एकदम स्मूथ हो जाता है, फिर मटेरियल निकालना बंद कर देता है। तो हमें इसको इस तरह के अब्रेसिव, इस तरह के व्हील में कन्वर्ट करना होता है ताकि अपनी एजेस शार्प कर ले, इस तरह के एजेस बाहर आ जाएँ, तो ताकि वो उसके शार्प एजेस, जब शार्प एब्रेसिव ग्रेन कॉर्नर पेरीफेरी पे आ जाएंगे तो मटेरियल निकालना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डायमंड कटर लेते हैं, ये डायमंड कटर एक एंगल पे रखते हैं रेस्ट के ऊपर, और ये आपका ग्राइंडिंग व्हील रहता है जिसको हमें शार्प करना है। अब इसकी लोडिंग या ग्लेजिंग की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये व्हील ड्रेस में डायमंड लगा दिया, अब ये हमें रोटेट करना शुरू कर देंगे। जब इसे रोटेट करेंगे हाई स्पीड पे तो इसके पेरीफेरी ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा और इसके सरफेस को इस पोजीशन से ऐसे शार्प एजेस में कन्वर्ट कर देगा ताकि इसके एब्रेसिव ग्रेन्स थोड़े थोड़े बाहर निकल आएँ और वो एक शार्प कॉर्नर्स उसके बन जाएँ, इस तरह से बन जाएँ ताकि ये जो कॉर्नर्स हैं ये आपके कटिंग परफॉर्म कर सकें। तो ये एक डायमंड कटर की हेल्प से हम करते हैं, इसे रोटेट करते हैं और विड्थ वाइज इसका अगर देखें तो पीछे की तरफ ऐसे विड्थ होगा, तो ये विड्थ के अलॉन्ग डायमंड कटर को ऐसे ऐसे मूव किया जाता है परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस। अगर ये शाफ्ट है तो इस शाफ्ट के पैरेलल में आप ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे डायमंड कटर को, और जब ये ग्राइंडिंग व्हील रोटेट करेगा तो इससे क्या होगा, इसका पूरा विड्थ जो है पीछे की तरफ, जैसे ये आप दिख रहे हो ये विड्थ जो है, यहाँ पे भी विड्थ होगा, तो वो विड्थ के अलॉन्ग आप डायमंड कटर को ऐसे ऐसे रोटेट करते रहेंगे, रेसिप्रोकेट करते रहेंगे आगे पीछे, तो उसकी विड्थ के अलॉन्ग पूरे एजेस ऐसे शार्प एजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसको कहते हैं व्हील ड्रेसिंग। तो एक डायमंड कटर की हेल्प से भी कर सकते हो, या आप एक स्टार ड्रेसर भी ले सकते हो। उसमें क्या होता है, एक इस तरह का ये टूल है स्टार ड्रेसर, जिसमें से स्टार्स बने होंगे। अगर मैं जूम करके दिखाऊं देखिए, अगर ये जूम करके देखें तो ये देखिए, ये जो स्टार टीथ हैं ये स्टार्स बने होते हैं इसके अंदर, ये रोटेट करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट में बाय ब्रिंगिंग इट इनटू कांटेक्ट, और फिर सेम जैसे डायमंड कटर को मूव कराते हैं वैसे इसको मूव कराया जाता है, फिर से इसके अंदर शार्प एजेस जो होते हैं ऐसे ग्रेन्स जो हैं वो शार्प एजेस इसके बाहर आ जाते हैं और वो शार्प एजेस इसके कट करना शुरू कर देते हैं। तो डल ग्रेन से वापस शार्पनेस उसकी बन जाती है एब्रेसिव ग्रेन की। डल ग्रेन्स जो पेरिफेरी पे हैं उनको शार्प ग्रेन्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो या तो आप डायमंड कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक स्टार ड्रेसर टूल का, जिससे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो व्हील ड्रेसिंग एक्चुअली में क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायमंड ड्रेसर और स्टार ड्रेसर, वी कन्वर्ट द
dull grains which is present on the outer periphery of the grinding wheel into a sharp abrasive grain. उसके sharp corners को produce करने का काम आता है. और इसके साथ क्या होगा, आपका जो हमारे loading में extra chip जो उसके अंदर stuck कर जाती है outer periphery पे, यहाँ जो outer periphery में chip stuck कर गई होगी, जब इसके साथ contact में आएगी तो वो भी साथ में निकल जाएगी, तो इससे वो फिर से अपनी sharpness gain कर लेगा. तो इस wheel dressing से हम we can solve the problem of loading also, we can solve the problem of glazing also. Next topic is truing. Truing क्या होता है, इसको समझने के लिए आप देखिए, truing मतलब true shape. आपका मान लीजिए ग्राइंडिंग व्हील जो था वो इस तरह के शेप में था, मान आपका पहले ग्राइंडिंग व्हील इस तरह के कोई शेप में, ये एकदम सर्कुलर था और उसकी विड्थ वाइज था तो सिलेंड्रिकल, लेकिन थोड़ी देर बाद यूज करते करते क्या हुआ, वो ओवल शेप में चेंज हो गया या उसकी इररेगुलर सर्फेस हो, कहीं से ज़्यादा मटेरियल चेंज हो गया कहीं से कम. अगर मैं आपको इसको सुपर इम्पोज करके दिखाऊँ तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करूँ तो ये ग्राइंडिंग व्हील जो है हमारा इस तरह का हो गया. पहले ये सर्कुलर था लेकिन बाद में कैसा बन गया, ये इस तरह का बन गया, थोड़ा सा ओवल हो गया. तो यहाँ से आपका मटेरियल ज़्यादा रिमूव हो गया, यहाँ से कम हुआ, तो इस तरह से हमारी ये पोजीशन आ गई. अब मैं इसको थोड़ा सा अलग ले जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. तो हमारा पीस अब जो है ग्राइंडिंग व्हील वो सर्कुलर नहीं है, अपनी ट्रू शेप को खो चुका है. ये हमारी ट्रू शेप है और ये अब यूज़ करते करते ग्राइंडिंग व्हील की शेप ऐसी होगी, कहीं से कम यूज़ हुआ, कहीं से ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो गया वेयर आउट होने की वजह से, कहीं से एब्रेसिव ग्रीन कम रिमूव हुआ, कहीं से ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो अपनी ट्रू शेप खो चुका है. तो इस ट्रू शेप को खोने की प्रॉब्लम है ये. अब इस प्रॉब्लम को वापस सॉल्व करने के लिए हमें ट्रूइंग करनी पड़ती है. तो ट्रूइंग मीन्स व्हाट, उसकी ट्रू शेप को वापस लाना, यानी कि वापस इसको फिर से सर्कुलर बनाना. तो इसके लिए कैसे करते हैं, इसके लिए फिर से वैसे ही डायमंड कटर लेंगे हम, जैसे हमने यहाँ लिया. स्टार ड्रेसर नहीं लेना है इस बार, सिर्फ डायमंड कटर लेना है. ग्राइंडिंग व्हील को रखेंगे, ये चाहे ओवल हो, ओवल शेप का हम जो हमारा जो अपनी शेप खो चुका है ट्रू शेप, उस ग्राइंडिंग व्हील को रखेंगे. डायमंड कटर को उसके कांटेक्ट में लाएंगे और फिर रोटेट करना शुरू करेंगे, और तब तक रोटेट करते रहेंगे, उसकी विड्थ वाइज इसको मूव कराते रहेंगे. जैसे ये आप देख रहे होंगे इसके दो डायग्राम, यहाँ पे ये डायमंड कटर रख दिया है और ये ग्राइंडिंग व्हील रखा हुआ जो ओवल शेप है. अब इस डायमंड कटर के अलॉन्ग इस ग्राइंडिंग व्हील को या तो इस तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे या डायमंड कटर को रोटेट कर लीजिए. तो डायमंड कटर आप रोटेट करेंगे रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपका ये पूरे, और ये साथ में ग्राइंडिंग व्हील रोटेट भी कर रहा है इस तरह से, तो आपका क्या होगा, साथ के साथ इसके पूरे विड्थ में, ये पूरे विड्थ में मटेरियल धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगा. और जो हमारी ओवल शेप लूज कर गई थी उसके बाद, वो तब तक हम करते रहेंगे जब तक वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर ले. तो मटेरियल रिमूव होता रहेगा, डायमंड कटर हमने लगा ही दिया था इस तरह से, और ये जब रोटेट करेगा तो इसके साथ कहीं से कम कहीं से ज़्यादा, तो लेकिन जब धीरे धीरे रोटेट करेंगे तो वापस ये फाइनली अपनी ओरिजिनल शेप कर लेगा. हाँ, उसका डायामीटर जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपका वो मटेरियल जरूर ये अपनी ट्रू शेप वापस अचीव कर लेगा. बस इसका जो डायामीटर होगा वो पहले जितना नहीं होगा, थोड़ा कम हो जाएगा नेचुरली, क्योंकि मटेरियल आपका रिमूव कर गया. तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आपको दिखाए हुए हैं आपके, कैसे आप व्हील ड्रेसिंग कर रहे हो, ये ट्रू पिक्चर है. एक स्टार ड्रेसर कैसे लगाया हुआ है, ये अलग अलग आपके डायमंड कटर लगाते हुए दिखाए हुए हैं. तो इस तरह से आप ये प्रोसेस कैरी आउट करते हो. इस टॉपिक में बस इतना ही, थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे, व्हील वेयर होगा वो, और अभी फ़िलहाल इस टॉपिक के लिए हमने कवर अप कर लिया जितना मुझे कराना था. थैंक यू.